गाइस, अगर आप पैन कार्ड का बिजनेस करते हो, चाहे वो न्यू पैन कार्ड अप्लाई हो चाहे पैन कार्ड का करेक्शन का अप्लाई हो, तो कभी ना कभी आपके पास तो ऐसा कस्टमर आ जाता है जिसका पैन कार्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है, जो पैन कार्ड का उसका जेरोक्स कॉपी है या फिर पैन कार्ड नंबर उसके पास अवेलेबल है, बट कस्टमर का जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वो जो लॉस्ट हो चुका है एंड कस्टमर आपके पास आता है उस पैन कार्ड को डुप्लीकेट मंगवाने के लिए। तो गाइस, इन केस में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करता है, उस पैन नंबर से पैन एप्लीकेशन मतलब पैन करेक्शन एप्लीकेशन मतलब CSF फॉर्म को फिल कर देता है, जहां पे चार्ज ज्यादा पे करना पड़ता है एंड उस CSF फॉर्म अप्लाई करने के बाद पैन कार्ड करेक्शन फॉर्मेट में अप्लाई होता है, उसके बाद फिर से न्यू पैन कार्ड जेड होकर कस्टमर का घर तक आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा लगता है एंड कस्टमर का चार्ज भी ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड करेक्शन का जो एडवांस चार्ज ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो बता दूंगा, अगर इन केस इस तरह से कस्टमर आपके पास आ जाए जिसके पास पैन कार्ड का डाटा अवेलेबल है, पैन कार्ड का कोई जेरोक्स है या फोटो है, बट उसका जो ओरिजिनल पैन कार्ड उसके पास नहीं है और लॉस्ट हो चुका है, उसके बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड होना चाहिए, चाहे वो UTI पैन कार्ड हो चाहे NSDL का पैन कार्ड हो, किस तरह से आपको कोई भी CSF फॉर्म का जरूरत नहीं होता है, किस तरह से आप पैन कार्ड रीप्रिंट के लिए एप्लीकेशन करोगी, जो आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये आप पे क्या होता है, सिर्फ ₹50 चार्ज पे करके आप कस्टमर का पैन कार्ड को रीप्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड अगले कुछ दिन में उस पैन कार्ड को फिर से रीप्रिंट करके फिर से कस्टमर का एड्रेस में वो डिस्पैच किया जाता है, जहां पे आपका भी चार्ज पे कम करना है, जहां पे कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अगर आपका कस्टमर का UTI का पैन कार्ड है जो पैन कार्ड लॉस्ट हो चुका है, तो किस तरह से UTI पोर्टल में जाकर उस पैन नंबर से रीप्रिंट अप्लाई कर सकते हो, वो आज इस वीडियो बता दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, अगर आपका कस्टमर का NSDL का पैन कार्ड है तो NSDL साइट से किस तरह से वो रीप्रिंट अप्लाई करना है वो भी बता दूंगा। तो इस तरह से इन्होंने वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, दोनों के अंदर कोई भी एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर कस्टमर का पैन कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड तो है और वो मोबाइल नंबर अगर अवेलेबल है जहाँ पे OTP रिसीव होगा, तो आप ये काम को कर सकते हो। अदरवाइज पैन कार्ड में जो भी ईमेल एड्रेस रजिस्ट्रेशन है वो ईमेल में एक्सेस है, उस ईमेल का OTP रिसीव होगा, तो आप ये प्रोसेस जरूर कर सकते हो। सो गाइस, मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूंगा, अगर आप पैन कार्ड बिजनेस करते हो और अगर आपके पास एक प्रॉपर पैन पोर्टल नहीं है, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको पैन पोर्टल प्रोवाइड करूंगा। जो अभी एक ही पोर्टल में आप UTI पैन कार्ड बना सकते हो, NSDL पैन कार्ड भी बना सकते हो, साथ में पैन फाइन का सर्विस ले सकते हो एक ही पोर्टल में। उसके साथ दोस्तों, हम लोग बेस्ट APS पोर्टल भी प्रोवाइड करते हो ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे फिंगरप्रिंट से पैसा निकालना, बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, मनी ट्रांसफर जैसा फिनेंशियल सर्विस आप कस्टमर को दे सकते हो और आपका कमाई को द्विगुण कर सकते हो। ज्यादा डिटेल्स के लिए देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे जरूर कॉन्टेक्ट करें। सो फ्रेंड, सबसे पहले कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, चाहे फायरफॉक्स हो चाहे हो क्रोम हो, तो ब्राउजर में सर्च करना है UTI पैन रीप्रिंट। सर्च बार में आपको ए लिखकर सर्च करना है UTI पैन रीप्रिंट या रीप्रिंट ऑर्डर। सर्च कर तो पहले बार लिंक आएगा रीप्रिंट पैन कार्ड UTIITSL, जो फर्स्ट लिंक है उसमें आपको करना है क्लिक। तो पैन सर्विस पोर्टल का UTI का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा, जो कि रीप्रिंट पोर्टल बोल सकते हो। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो दो ऑप्शन मिल जाएगा, रीप्रिंट पैन कार्ड एंड रीजनरेट पैन कार्ड रीप्रिंट रिक्वेस्ट। तो दो नंबर ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको काम फर्स्ट ऑप्शन रीप्रिंट पैन कार्ड में। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो फैसिलिटी फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड का पेज ओपन होगा, जहाँ पे कस्टमर का जो पैन नंबर है उस पैन नंबर को सबसे
पहला कॉलम में पैन नंबर में फिल करना है। जो कस्टमर का पैन नंबर लॉस्ट हो चुका है, जिसका पैन कार्ड का कोई भी डिटेल्स नहीं है, पैन नंबर नहीं पता है, तो हमारा ई केंद्र पोर्टल से आप पैन फाइंड सर्विस को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ देकर सबमिट कर दो। कस्टमर का पैन नंबर कौन सा है वो आपको मिल जाएगा। तो पैन फाइन सर्विस लेने के लिए एक वीडियो भी मैं बना दिया था, जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो इसी प्रकार में पैन नंबर फाइन कर सकते हो एंड पैन नंबर को यहाँ पे साइड से एंटर कर दीजिए। उसका नीचे है आधार नंबर, तो आधार नंबर कोई भी देने का जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। उसका नीचे डेट ऑफ बर्थ, तो कस्टमर का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ के अंदर मंथ एंड ईयर, डेट नहीं लगेगा, ओनली मंथ स्लैश ईयर देकर मंथ एंड ईयर फॉर्मेट फिल करना होगा उसके बाद। ठीक है, देखो यहाँ पे पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नीचे है कैप्चा, तो जो भी कैप्चा आएगा उस कैप्चा को नीचे फिल करना होगा। कैप्चा को फिल करने के बाद सबमिट का जो बटन है सिंपल सबमिट करना होगा। तो मैं ऑल डिटेल्स फिल करके सबमिट कर दिया था। तो सबमिट करने के बाद देखो इस तरह से एक प्रीव्यू पेज आएगा, प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको ओके कर देना है, जहाँ पे पैन नंबर, पैन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन एड्रेस सब कुछ शो होगा, हाइड रहेगा। तो आपको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है अगर ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल एड्रेस आपके पास है, तो नीचे जो कैप्चा है इस कैप्चा को फिल करना होगा। एंड कैप्चा को फिल करने के बाद आपको ओटीपी मोड को चूज करना होगा। आप चाहो तो बोथ, मतलब मोबाइल एंड ईमेल दोनों में ही ओटीपी ले प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज ओनली एसएमएस और ओनली ईमेल, कोई भी ऑप्शन को चूज करके आप ओटीपी को रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कैप्चा को फिल किया था, उसके बाद मोड ऑफ ओटीपी को मैं बोथ चूज किया था, मतलब मेरा मोबाइल में भी ओटीपी आएगा एंड ईमेल में भी ओटीपी आएगा। ठीक है, तो कैप्चा को फिल करने के बाद आप जो भी मोड है चूज कर लीजिए, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ओनली एसएमएस का तो मोबाइल में एसएमएस आएगा, ठीक है, अदरवाइज ओनली ईमेल का तो ईमेल पे ओनली एसएमएस आएगा। तो मैं बोथ को सिलेक्ट किया था एंड गेट ओटीपी का जो बटन है सिंपल गेट ओटीपी करना है क्लिक। तो आप जब गेट ओटीपी पे क्लिक करोगी तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा। तो जो भी ओटीपी आएगा सिंपली इस ओटीपी घर में आपको उसको एंट्री करना है एंड सबमिट करना है। तो मेरा ऑलरेडी ईमेल आ चुका है, ओटीपी आ चुका है ईमेल में एंड मोबाइल में, तो ओटीपी को मैं डाल दिया था। उसके बाद सबमिट का बटन है, सिंपली मुझे करना है सबमिट। तो जब सबमिट कर लेंगे तो यहाँ पे यू आर बीइंग रिडायरेक्ट कर देंगे फिर से पेमेंट पोर्टल का ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ भी बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे पैन रिफंड के लिए आपको 50 रुपीज पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए कोई भी एक रैंडम मोबाइल नंबर और उसका नीचे ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो पैन कार्ड में रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर उसी ईमेल देना होगा, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। पेमेंट करने के लिए आप कोई भी एक वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो मैं दोनों में फिल कर दिया था। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है बिल डेस्क पेमेंट मोड गेटवे बिल डेस्क, सिंपल बिल डेस्क के पास में सिलेक्ट कर दूंगा एंड कंफर्म पेमेंट में करना है क्लिक। जब कंफर्म पेमेंट में क्लिक करोगे तो पेमेंट गेटवे का बैंकिंग पेज में लेकर जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, वॉलेट एंड यूपीआई। तो मेरे क्यूआर कोड में पेमेंट करना ज़्यादा आसान होता है, सबके लिए वही आसान होता है। तो मैं क्यूआर कोड चूज किया था। आप चाहो तो कोई भी अदर्स पेमेंट मेथड चूज करके आप सक्सेसफुली 50 रुपीज को पेमेंट करना होगा। तो मैं क्यूआर कोड को चूज किया था इसलिए क्यूआर कोड डिस्प्ले हो चुका है। तो मेरा यूपीआई ऐप से स्कैन करके मैं क्यूआर कोड में पेमेंट कर दिया था। तो देखो यह पैन रिप्रिंट पेमेंट इज सक्सेसफुल बोलकर एक एप्लीकेशन नंबर भी या कूपन नंबर भी जेनरेट हो चुका है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं, बाद में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसलिए आपको ओके का जो बटन है सिंपल ओके कर दीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पे डाउनलोड रिसीव का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको डाउनलोड रिसीव में जब क्लिक करोगी तो ये जो एप्लीकेशन जेनरेट हुआ था उसका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। जिसको ओपन करोगी तो यहाँ पे देखो कि एप्लीकेशन नंबर
पैन नंबर एंड स्टेटस क्या है, पैन रिप्रिंट। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है इसको सिंपली आपको ऐसे कॉपी कर रखना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन नंबर से ट्रैक करना है। किस तरह ट्रैक करना है बहुत ही आसान है, आप सब लोग को पता है। सबसे पहले ब्राउज़र सर्च करना है यूटीआई पैन स्टेटस, फर्स्ट जो लिंक आएगा ट्रैक योर पैन एप्लीकेशन यूटीआई, इसमें करना है क्लिक। एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर मैंने कॉपी किया था, सिंपल एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसका नीचे है पैन नंबर छोड़ दीजिए, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो कस्टमर का जो भी डेट ऑफ बर्थ है सिंपल डेट मंथ एंड ईयर इसी फॉर्मेट में फिल करना है। एंड कैप्चा को भी सही से देख कर यहाँ पे फिल करना होगा। देन यहाँ पे जो सबमिट का बटन है सिंपल करना है सबमिट। तो जब सबमिट करोगे यहाँ पे स्टेटस भी शो होगा। देखो एप्लीकेशन नेम तो नहीं आएगा, बस स्टेटस में देखो योर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग फॉर कार्ड प्रिंटिंग। कार्ड प्रिंटिंग के लिए अभी प्रोसेसिंग है, क्योंकि मैं अभी अभी इसको प्रोसेस स्टेटस को चेक किया था, इसलिए इस तरह से स्टेटस शो हो रहा है। आपको 4 से 5 वर्किंग डेज बाद इस तरह को चेक करना है, तो वहाँ पे क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपका पैन कार्ड रिप्रिंट सक्सेसफुल हो चुका है एंड स्पीड पोस्ट में और डिस्पैच भी किया हुआ है। तो गाइस इसी प्रकार में यूटीआई से अगर आपका कस्टमर का पैन कार्ड है बनाया हुआ है उस लॉस्ट हो चुका है, तो आप इस प्रकार में यूटीआई प्रोडक्ट के थ्रू आप रिप्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हो।